है? तो देखो, वायर से मैग्नेटिक फील्ड, वायर को पकड़ो राइट हैंड से, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, इनवर्स आएगी। यस सर, यस सर, अंदर आएगी सर, इनवर्स। कौन से हाथ से पकड़ रहे हो सर? आउटवर्ड जाएगी। राइट हैंड से पकड़ना है, थंब आपका करंट की साइड होना चाहिए, तो पॉइंट ऊपर है, तो देखो फील्ड लाइंस आपकी खुद की तरफ आ रही है। यस सर, डॉट आएगा ना, ये किसका है? लाइन का, स्ट्रेट वायर। और अब देखो ये बी किसका? सर्कल का। और सर्कल का कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है, इसमें पाई नहीं होता है। पाई को अब ज्यादा कौन सा होगा ये बताओ, सर्कल वाला ज्यादा होगा, लाइन वाला ज्यादा होगा? सर्कल वाला सर, सर्कल वाला, सर्कल वाला। जो नेट होगा, जो नेट होगा वो कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई टू आर, पाई नहीं होता सर्कल में, ठीक है? टू आर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? वन माइनस वन अपॉन पाई, ठीक है? और नेट डायरेक्शन होगी वो क्रॉस। यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, क्वेश्चन टू में सर पाई हाफ, इसमें क्या दिक्कत है? सेकंड में, सेकंड वाला बताएं सर, पाई हाफ बता दो सर। सेकंड देखो, पूरे सर्कल का कितना होता है पहले मुझे बताओ? म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है। म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये कौन सा सर्कल है? थ्री फोर्थ है, थ्री बाई, थ्री बाई फोर। यस सर, हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? पाई आर, पाई टू, पाई बाई। अरे यार ये वाला एंगल 90 है ना, ये वाला कितना? लास्ट वाली आ रहा है सर, ठीक है सर। पाई बाई टू कंफ्यूज कर दिया। पाई मतलब, पाई बाई टू मतलब पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। सर ये तो मुझे पता नहीं है, पाई बाई टू नहीं पढ़ा अभी। अच्छा ठीक है, डिग्री की जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन, रेडियन पढ़ा नहीं है, पाई नहीं पता यार। ओके सर, ठीक है। हाँ फर्स्ट वाले का देखो यहाँ पे, और बी, हाँ तो पाई बी आएगा। ये सर पाई माइनस बना, ये इन्होंने क्या किया, एलसीएम ले लिया और पाई को बाहर ले लिया है ना। एलसीएम लेके कर लिया सर, सर ऊपर नीचे टू से मत। ये वाला भी हो जाएगा थर्ड? यस यस सर, यस सर हो गया था। फोर्थ वाला भी हो जाएगा? बता दिया। यस सर, बता दिया सर। फिफ्थ वाला सर ऐसा ना, यस सर हो जाएगा सर, आ गया। ऑप्शन वाले और आईसी द करंट आंसर करेक्ट आंसर पिक करा दो। देखो सर फिफ्थ, फोर्थ वाला बता दो एक बार। सर फोर्थ वाला देखो, सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करना है। सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग, नंबरिंग। ये वाला वायर 1, ये 2, 2, ये 3 और ये वायर 4, क्लियर है? देखो yes, आपको अब बी वन इक्वल टू बी थ्री इक्वल टू जीरो, क्योंकि उस लाइन के अलोंग है, क्लियर है? देखना है, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई फोर आर, लेकिन क्रॉस होगा या डॉट होगा? क्रॉस, 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 क्रॉस आ रहा है सर। म्यू नॉट आई बाई कितना होगा? फोर आर टू, तो क्या होगा? ये भी कैसा है? तो दोनों को ऐड कर दो। यस सर, सर हम अंदर ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे सर, अब ऐड हो जाएगा। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, तो देखो आपका फॉर्मूला क्या है? सर्कुलर मैग्नेट सेंटर बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय टू आर, म्यू नॉट आई बाय टू आर, क्यों बेटा? हाँ ठीक है, दोनों डॉट ही आएंगे ना, दोनों डॉट ही आएंगे, दोनों डॉट ही आएंगे। देखो सर क्रॉस आएंगे, क्रॉस आएंगे, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस आएंगे, क्रॉस ही आ रहे हैं। इधर देखो बेटा, वायर ऐसा है तो उसको ऐसे पकड़ो, करंट इधर जा रहा है, पॉइंट ऊपर है, तो फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। यस सर, ना मेरे अकॉर्डिंग मत देखो, आपके अकॉर्डिंग देखो, है ना?
यदि कोई वायर में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, देखो थंब ये करंट के राइट और पॉइंट यदि ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, क्लियर है? अंदर जा रही है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। B इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू नॉट पाई बाय 2r, म्यू नॉट दिया है 4 पाई इनटू 10 रेस पावर माइनस 7 होता है। I की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 एम्पियर, 2 इनटू r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.01 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
सर ये तो आ गया, बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे आएगा। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने ना सर्कुलर लूप के लिए सर एक जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर क्रॉस। बिल्कुल लिखवाया था, म्यू नॉट एंगल अपॉन क्रॉस। सुनो, टू पाई टू आर ये लिखाया था, थीटा अपॉन 360 है ना, 360 ये था जनरल फॉर्मूला। सर आपने क्रॉस नहीं, क्रॉस तो बेटा उससे डिसाइड होगा अपॉन टू आर क्रॉस। बेटा जो डॉट और क्रॉस तो वो तो करंट की डायरेक्शन से डिसाइड होगा ना। सर बट आपने फॉर्मूला में थीटा अपॉन 360 डिग्री नहीं लिखवाया। नहीं जनरल फॉर्मूला लिखवाया है सर, लिखवाया है सर। देखो बेटा सुनो, पूरा सर्कल है तो पूरा सर्कल है तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा 360, तो यहाँ पे 360 पुट कर दो तो ये तो पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, वही फॉर्मूला हो गया है ना। हाफ हाफ रिंग है तो हाफ रिंग का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना पुट कर दोगे 180 कितना हो जाएगा 1/2 तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर। या इसे समझ लो पूरे सर्कल का जब इतना है तो हाफ सर्कल का उसका हाफ होगा, सिंपल ठीक है, डिवाइड कर दो ठीक है। वाले का बी है ना, ठीक है सर। जैसे कि इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में आपने बताया कि यूनिट की वैल्यू लगानी है तो वैसे बताया जाएगा ना क्वेश्चन में, आंसर के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। देखो यदि आंसर में पाई 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 होता तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करते है ना, यदि यहाँ पे सब जगह म्यू नॉट होता तो म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पुट करना है, मतलब है ना। यस सर ओके सर। फोर्थ का आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर यार बेटा अभी तो बताया था, ठीक है सी आएगा, चेन्नई सी आएगा सर, ऑप्शन सी दोनों। हाँ देखो एक और अच्छी बात है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों प्लस ही होंगे, मतलब माइनस वाले ऑप्शन तो होंगे ही नहीं है ना, और अपॉन में आर तो आएगा ही आएगा। सर इनवर्स, सर इनवर्स होगा तो इस, हाँ ऑब्वियसली ये वाला तो होगा नहीं। आंसर बता दे बस है ना, आंसर थर्ड का कितना होगा, देखो माइनस तो होगा यही वाला होगा, और आगरा सर यही होगा, इसमें माइनस होगा। हाँ माइनस होगा, देखो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट जा रही है। यस अपोजिट जा रही है तो माइनस तो आएगा, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, अपॉन में आर आएगा ही, फॉर्मूले में ही है अपॉन में आर है ना। कर दोगे क्या बेटा ऑप्शन ए सर? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ सर ऐसे ही। यस सर दे दो। यस सर इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के बहुत कम मिलते हैं यार ये। उसी बुक से लेने पड़ते हैं क्योंकि 9th 10th लेवल पे इस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ 11th 12th की बुक से लेने पड़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करवा दो। हाँ पूछो नहीं पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा सा टॉपिक को अच्छा, जो थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक पूरा कर ले। हाँ सर यस सर। ब्रह्मास्त्र सर, ब्रह्मास्त्र एक्सप्लेन कर देंगे, केवीएल केसील बता देंगे, ठीक है। देखो अब हमें ये तो पता है आपको कि यदि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ है अंदर है ना, अंदर, और यदि मैंने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया तो इसका मोशन किस साइड होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस साइड होगा, बोलेगा कोई भी नहीं, सब लोग ट्राई करो सर। सर ईस्ट की तरफ है। नो सर।
आया सबका ये नहीं आया नहीं आया क्यों नहीं आया पहला चेक करो आपने लेफ्ट हैंड ही लिया है यस सर सेकंड ये इलेक्ट्रॉन है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिए देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा जाएगा उसका अपोजिट लेना है तो आपका देखो थंब हमेशा नीचे आएगा क्लियर है तो आंसर कैसा है साउथ तो ये इस तरह आगे साउथ आ रहा है हाँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम जाएगा आ गई बात सुनने ये तो क्लियर है यस सर और यदि पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये किस साइड घूमेगा नॉर्थ सर ये तभी होगा ना जब साइन थीटा की वैल्यू 1 है अभी 90 है ना सॉरी हाँ तो थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई देखो बेटा आपका लेफ्ट हैंड स्ट्रेच किया मैग्नेटिक फील्ड आपके लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ यस सर आपका जो फोर फिंगर है मिडिल फिंगर है सॉरी मिडिल फिंगर है वो आपके राइट हैंड की तरफ यस सर तो थंब किधर आया ऊपर की साइड सर नॉर्थ की साइड ना तो ऊपर ही आएगा नॉर्थ चलो यहाँ पे देखो वैसे ही इससे घुमा दो मिडिल फिंगर को ऊपर कर दो तो देखो फोर्स इस साइड आएगा आपका यस सर आ रहा है अरे ऐसे ही कुछ ना और घुमा दो यस सर लॉरेंज फोर्स कितना होता है कैंसिल हो जाएगा कितना हो गया फॉर्मूला आ गई बात समझ में टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कितना होगा 2πr/b r की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करो तो कितना होगा सर 2πm/qv एक फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/ टाइम पीरियड उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πm/qv/2πm ये हो गया फ्रीक्वेंसी अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी सर हर्ट्ज हाँ क्योंकि ये क्या है टाइम है ठीक है कई बार मतलब बड़ी एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि 2πm/ ठीक है 2πm/qb है ना तो देखो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है तो m/qb किसके इक्वल होगा टाइम के करंट के है ना ये सब वैल्यूज होती है तो किसके इक्वल है ये टाइम के इक्वल है ना टाइम के इक्वल है सर इक्वल आएगा तो इस टाइप से आपको ये क्योंकि टाइम ही तो आएगा ना सर ये चीज समझ नहीं आई हां सही नहीं है ये टाइम का फार्मूला है टाइम ही आता ये टाइम का फार्मूला है ना यदि आपको आपको तो पता है टाइम का है लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये फार्मूला किस चीज का है टाइम का है वेलोसिटी का है ठीक है ऐसा भी पूछा जा सकता है ना तो आपको निकालना है टाइम अच्छा अभी तक हमने पढ़ा हाँ बोलो सर ये जो आपने ऊपर mv²/r को qvb के इक्वल करा है इसमें आपने sin 90 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है हाँ sin 90 इसलिए लिया देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो जा रहा है आपके राइट हैंड की तरफ तो दोनों के बीच में एंगल कितना है यस सर 90 और sin 90 की वैल्यू 1 अब हमने देखो जीरो की भी बात कर लिया जब थीटा जीरो जब थीटा कितना हो जीरो तो फोर्स भी क्या होगा जीरो तो जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो तो फोर्स कैसा होगा मैक्सिमम होगा मैक्सिमम अब हम बात करते हैं किसी एंगल थीटा के लिए अब हम किसकी बात करते हैं किसी रेंडम एंगल की बात करते हैं किसके रेंडम एंगल के लिए क्लियर है रेंडम एंगल हाँ तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आनी चाहिए ठीक है अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा पे ठीक है किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया कोई भी एक रेंडम एंगल थीटा यस सर तो देखो इस वेलोसिटी के टू कंपोनेंट है कितने कंपोनेंट है टू इसको हम बोलते हैं वेरी है ना वर्टिकल कंपोनेंट और इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई बात समझ में
देखो देखो बेटा, कोई भी यदि कोई भी जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने ये फोर्स लगाया, तो इस फोर्स का दोनों साइड इफेक्ट है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इफेक्ट है और वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्ट है, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला कौन सा होता है, एफ कॉस थीटा होता है, और ये वाला कितना होता है, एफ साइन थीटा। तो देखो ये वेलोसिटी है वी, तो ये वाला कंपोनेंट होगा आपका वी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा। अब वी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ वी पैरेलल। क्या लिख दिया मैंने शॉर्ट में, वी पैरेलल। और वी साइन थीटा को लिख दिया मैंने वी परपेंडिकुलर। चलो अभी छोड़ दो, चलो नहीं आती है तो छोड़ दो, बस ये मानो कि एक परपेंडिकुलर है और एक पैरेलल है, क्लियर है ये बात, तो समझ में आई। एक सर ये आपने बता दिया था, एक वी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्लियर है। यस सर, यस सर। अब लेफ्ट हैंड थंब रूल बता दो सर एक बार, कंफ्यूजन है सर। अभी आ जाएगा, क्लियर है। अब ये बताओ कि इसके टू अलग अलग वेलोसिटी को एनालिसिस करो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, तो क्या इस पे किसी भी वजह से कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, पैरेलल में तो थीटा जीरो है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये तो अपना बस आगे की तरफ बढ़ाएगा, क्लियर है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है ये वाली वेलोसिटी। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल में तो कोई फोर्स लगता है क्या, नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या होगा, जैसा मोशन कर रहा है वैसा करता रहेगा, है ना। yes, कोई चेंज नहीं होगा। yes, अब बात आती है परपेंडिकुलर, तो जब भी परपेंडिकुलर लगेगा तो उस पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा या नहीं करेगा, उस सर्कुलर मोशन का जो फोर्स लगेगा उसको हम लिख सकते हैं क्यू V perpendicular into V, ये फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ये बताओ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपने अपने राइट साइड में, तो आपने फोर फिंगर राइट साइड में कर लिया। यस सर। अब देखो आपका जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की तरफ मोड़ लिया आपने, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। यस सर। तो अब बताओ थंब आपका कहाँ आया, इनसाइड क्रॉस, तो क्रॉस है, तो इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये ऐसा घूमेगा, समझ रहे हो, ऐसा घूमेगा, समझ रहे हो, अंदर की से फिर बाहर आएगा, है ना। कैसा घूमेगा बताना, क्रॉस कैसे आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, इधर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस साइड है, चार्ज कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। Yes, sir. तो थंब yes, अंदर आया, हाँ सर अंदर आ रहा है, अंदर आ गया। अब ये क्या करेगा, घूमेगा, तो देखो घूमेगा, तो अब थंब, अब फोर्स किस साइड लगने लग गया, नीचे सर, नीचे की तरफ लगने लग गया सर। फिर फोर्स किधर लगने लग गया, ऐसे पूरे सर्कुलर में घूमेगा सर, वो ऐसे क्या होगा, ऐसे सर्कुलर में घूमेगा, क्लियर है। हाँ सर। देखो yes, सर, पूरा घूम जाएगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा, है ना, आ गई बात सुन में, समझ में नहीं है। आपने जो इससे पहले वाले पेज पे एक टेंजेंट बनाया था उससे सर आपने उसकी वैल्यू ऐसे वो की थी, मतलब फिर से पूछो सर, आपने इससे पहले वाली स्लाइड में एक सर्कुलर उसमें टेंजेंट बनाया था। हाँ सर, आपने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है अंदर की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ, तो फोर्स इस साइड लगेगा। Yes, sir. फिर घूम के ऐसा हो गया, तो अब फोर्स नीचे की तरफ आ गया, सपोर्ट फिर सर्कुलर में घूमेगा, अच्छा फिर से पूरे इस साइड आ गया, इस साइड आ गया। यस सर, आ गया, आ गया सर्कुलर, आ गया। यस सर, देखो हमेशा फोर्स सेंटर की तरफ चला जा रहा है। हां सर, सेंटर में घूम रहा है सर। मैं ये पूछ रही हूं कि सर आपने उसमें कहा था कि थीटा की वैल्यू 1 जाएगी पूरे टोटल उसमें, तो सर वो कैसे आ गया, थीटा की वैल्यू sin थीटा की वैल्यू 1 जाएगी। देखो इन दोनों उंगली फिंगर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का,
सर थीटा 90 डिग्री है सर, दोनों के बीच में 90 डिग्री सर। अब देखो आप तीनों के बीच में एंगल देखो 90, आप कैसे भी देखो दिख रहा है। यस सर बन रहा है सर, 90 डिग्री रहेगा ना हमेशा, अपन 90 लेके तो बताया ना कि 90 है तभी तो वो चीज अप्लाई कर रहा है। सर एक डाउट है, ये की सर ये कैसे फाइंड करेंगे कि ना अपना थंब इनसाइड है कि आउटसाइड? थंब इनसाइड है, देखो फोर्स, यदि लैपटॉप की साइड आया आपका थंब, ठीक है, आपके लैपटॉप की साइड, तो वो इनवर्ड्स है, आपकी तरफ आया मतलब वो आउटवर्ड्स है। सर लेफ्ट हैंड थंब रूल सर समझा दो सर एक बार। ये है रूल, यही तो था, यही रूल है। चलो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बना दो, चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है तो थंब किस साइड आया, खुद की तरफ आ गया ना, मेरी तरफ? यस सर, मेरी तरफ लग जाएगा आउटवर्ड। तो इनको एडजस्ट करते रहो बस। सर वैसे आप सर ये जो तीन आपने जो डायरेक्शन ली है, ये इसका मतलब है कि तीन डिफरेंट करंट मतलब चार्ज फ्लो हो रहे? तीन डिफरेंट, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज का मोशन है, एक फोर्स का डायरेक्शन है। सर एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ तीन वो उसमें हो रहे हैं। अब देखो इधर इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो ये ऐसा ऐसा गोल गोल घूमेगा, पीछे से जाएगा, फिर आएगा। यस सर घूमेगा सर। अब देखो ये काम कर रहा है गोल गोल घुमाने का, क्लियर है? यस सर। परपेंडिकुलर है वो, गोल गोल घुमाने का काम कर रहा है। वी पैरेलल क्या कर रहा है, आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यस सर, उसको सर आगे फोर्स देने का काम कर रहा है। दोनों काम एक साथ होंगे, ये गोल गोल भी घूमेगा और ये आगे भी बढ़ेगा सर, आगे भी बढ़ेगा सर। ये वो नहीं आया, ये पैरेलल वाला क्या कर रहा है, पैरेलल वाला आगे बढ़ा रहा है, आगे तो बढ़ाएगा सर। पैरेलल वाला क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तिरंगे बढ़ा रहा है सर। और ये परपेंडिकुलर वाला गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है सर, जिस तरह वो गोल गोल भी घूमते जाएगा सर, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है सर। लेकिन सर जो पैरेलल वाला है सर, वो तो फोर्स लगा ही नहीं रहा ना, तो वो कहाँ फोर्स लगा रहा है, वो तो बेचारा सीधा ही लेके जा रहा है ना, नहीं आगे पे जा रहा है ना। ओके सर, आगे आगे तो ये बेटा फोर्स लगता है तो क्या होता है, पहले फोर्स को बताओ, फोर्स लगता है तो क्या लगता है, फोर्स एक्सेलरेट करता है, मोशन नहीं करवाता। पैरेलल वाला मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लेके जाएगा सर, मतलब बैलेंस फोर्स लग रहा है ना उसको। हाँ देखो, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही मोशन करेगा। तो वी हॉरिजॉन्टल साइड, वी पैरेलल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वी पैरेलल अपनी इच्छा से उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है सर। आपने यहाँ पे वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल लिया है, सर जो आपने एंगल्स बनाए हैं सर, मतलब ये जो सर आपने बीच में लाइन बनाई सर, ये इलेक्ट्रॉन का वो है, मतलब आपने कहां से प्रोजेक्ट करा था? पॉजिटिव चार्ज का मोशन। सर मतलब आपने पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करा है मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज को, है ना? सर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे वो तो समझ में आ गया सर, जो हॉरिजॉन्टली कौन फोर्स लगा रहा है वो क्या चार्ज का खुद का जो इनर्शिया है इसके वजह से? मेरी बात सुनो, ये चीज पहले खत्म करो, पहले ये चीज समझो, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, तो वो करता रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगाते। कोई कार है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो कब तक चलती रहेगी? अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है वी पैरेलल से, तो वो पी पैरेलल से जाता रहेगा जब तक उसको कोई स्टॉप नहीं करे, उसकी सपोर्ट में या अपोज में कोई फोर्स नहीं अप्लाई करे। आ गई बात समझ में? जब तक वो सर ही रहेगा, ठीक है? यस सर, यही पूछ रहा था सर, इनर्शिया कर रही है, मतलब अपना वो मोशन करता रहेगा जब तक कि हम उस पे फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो क्या हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया? नहीं लगाया, मतलब ना तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होगी, नहीं बढ़ेगी, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहेगा सर। हाँ, तो ये क्या होगा, ऐसे हेलिकल शेप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हेलिकल शेप, हेलिकल शेप, हेलिकल स्प्रिंग वाला शेप, ठीक है? हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, इसका मतलब प्रोटॉन पे सर, मतलब दो जगह, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे दो जगह फोर्स लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल कौन सा फोर्स लग रहा है मुझे बताओ, कहाँ लग रहा है, किसने बोला हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल तो फोर्स लगेगा, मतलब सर इनर्शिया होगा ना,
हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है तो करता रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे, क्लियर है? हॉरिजॉन्टल से मूव कर रहा है और सर वो फोर्स लगा रहा है इसलिए सर वो शेप का बन रहा है। तो देखो जो पैरेलल है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बस अपना काम कर रहा है आगे ले जाने का, और जो परपेंडिकुलर है उस वजह से वो घूम रहा है। यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये होता है हेलिकल शेप। क्या होता है? हेलिकल शेप, या स्प्रिंग शेप भी बोलते हैं, स्प्रिंग जैसा। कॉइल जैसा, कॉइल जैसा, स्प्रिंग जैसा, आप स्प्रिंग शेप बोल सकते हो, ठीक है सर। आपने वी पैरेलल को कॉस थीटा क्यों लिया? क्यों लिया? अब ये ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े कर दिया ना कंपोनेंट्स। ओके सर, पता नहीं है सत्य। ओके अब इधर देखो, ये होता है, ये हाइपोटेनियस पता है, मान लो एक्स है, यस सर, एंगल थीटा है, बेस निकालना है तो कॉस थीटा लगाओगे। यस सर, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस है एक्स है और हाइपोटेनियस की, सॉरी हमारा बी है, तो बी इक्वल टू कितना हो गया एक्स, x cos theta, इसलिए ये वाला horizontal velocity कितनी है? Okay, cos theta, clear है? सर आपने सर components में resolve कर दिया ना? हाँ। सर एक बार और बता दो सर, यहाँ देखो दोनों इधर अलग से देख लो, ये आपका right angle triangle है? Yes sir, ठीक है, ये right angle triangle है। ये आपका कोई भी एंगल है थीटा, ठीक है? Yes, तो अब ये वाली वैल्यू दी हुई है आपको, मान लो 10 मीटर, yes, ठीक है? तो आपको ये वाली बेस निकालना है, तो आप क्या अप्लाई करोगे? कॉस थीटा। क्या अप्लाई करोगे? कॉस थीटा। बी अपॉन एच, तो बेस इक्वल टू कितना होगा? एच, तो एच कॉस थीटा। सर ये वही है ना पाइथागोरस थीटा? पाइथागोरस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है। और ये वाला साइन अप्लाई करोगे तो आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, तो ये हो गया एच, तो एच साइन थीटा। अब देखो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इक्वली रहेगी? हाँ सर। तो ये वाली कितना हो जाएगा? एच साइन थीटा। तो साइन कोई भी यदि आपको वेक्टर क्वांटिटी दिया है उसको परपेंडिकुलर टू पार्ट में हम रिजॉल्व करते हैं तो ये वाला कंपोनेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉस कंपोनेंट। ये x yes, है, तो ये हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा x, x cos कंपोनेंट, ये वाला हो जाएगा x sin कंपोनेंट। क्लियर सर? ये sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर पर बेस। सर जो बीच में लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स है? हां, उन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। हां ओके सर। सर इसमें सर पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ के लूप बना रहा है सर, नॉर्मल जैसे 50 डिग्री का 90 डिग्री का फोर्स होता है तो सर वैसा क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा बेटा? हमने प्रोजेक्ट ही किसी एंगल पे किया। देखो F इक्वल टू कितना होता है हमारा फॉर्मूला बताओ? तो देखो पहले हमने जो सॉल्व किया था वो जीरो को लेके बता दिया, ये वाली वैल्यू जीरो को लेके सॉल्व कर लिया हमने। यस सर। हां सर। फिर हमने इस वैल्यू को 90 लेके सॉल्व कर लिया, साइन 90 लेके। यस सर। साइन 90 लेके सॉल्व कर लिया। अब हमने कोई भी वैल्यू रेंडम वैल्यू लेके बताया, ठीक है? हाँ सर। तो तीनों केस बताने पड़ेंगे ना, जीरो वाला, 90 वाला और आपका कोई भी रेंडम वैल्यू वाला। सर कोई रेंडम वाला, सर ये रिजल्टेंट वाला होगा ना, जो कोई भी जो रेंडम वाला है सर। सर्कल सर्कल कॉल जैसा घूमेगा। हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे ना? क्या बेटा? सर हाँ सर, इसमें सर फील्ड्स घूम रही है सर, ये तो सोलेनोइड की तरह नहीं है सर? बिल्कुल बिल्कुल सोलेनोइड की तरह रहेगा, ठीक है? शेप सोलेनोइड की तरह होगा, लेकिन सोलेनोइड तो वायर से बनाते हैं ना, तो इसको हम सोलेनोइड बोल सकते हैं, लेकिन सोलेनोइड जैसा बोल सकते हैं हम, है ना? सोलेनोइड जैसा रहेगा ये, ठीक है? तो सर ये अगर सर उसका रिजल्टेंट फोर्स अगर उसके बीच में है तो सर ये स्प्रिंग जैसा क्यों शेप बना रहा है? यार भैया रिजल्टेंट फोर्स किस साइड है? रिजल्टेंट फोर्स सीधा अंदर की तरफ है, बस। रिजल्टेंट फोर्स ऐसा नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स है अंदर की तरफ, क्लियर है? सर अंदर की तरफ से सर ऐसा शेप बन रहा है। हाँ यस सर, रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ है,
जो दिख नहीं रहा है जस्ट फोर्स क्यू वी परपेंडिकुलर बी है तो सर यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या डालेंगे बताइए यार साइन परपेंडिकुलर ले लिया तो ये परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो गया 90 तो फॉर्मूला लिखा ना हमने क्लियर है सर आपने प्रोटॉन को नॉर्थ साइड वो प्रोजेक्ट करा था ना नॉर्थ साइड कहाँ किया है आपको देखो नॉर्थ साइड कहाँ दिख रहा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इधर था हमने तो कोई एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया ना रैंडम एंगल थीटा पे हाँ सर तो कोई दूसरा एंगल मतलब सर आपने बताया था सर अगर हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करें तो सर वो ऊपर आ रहा था मतलब इसके टू कंपोनेंट किए हमने पहले क्योंकि हम इसे किसी एंगल पे नहीं देख सकते इसीलिए हमने पहला ये देखा ये पैरेलल वाला तो इसकी इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा जो फोर्स लगने की वजह कौन सा कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है क्योंकि ये तो उसकी डायरेक्शन में और डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपना काम करता रहेगा ठीक है हाँ तो ये इसकी वजह से उस पे घुमाएगा इसके देखो चलो एक मिनट ऐसे समझो अच्छा ये बताओ पूरा का पूरा यदि ये ऊपर की तरफ होता ठीक है पूरा का पूरा क्या होता सर ऊपर की साइड ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है क्लियर यस सर मैग्नेटिक फील्ड यस सर ये पूरा का पूरा यदि कोई चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करता तो क्या होता बताओ फोर्स किधर लगता सर फोर्स डाउनवर्ड क्रॉस क्रॉस अंदर की तरफ घूमता यस क्रॉस सर हां सर अंदर घूमता सर इसमें कोई डाउट है नो सर नो डाउट नो सर यदि कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता क्या होगा इसमें कोई डाउट है इसमें कोई डाउट है नो सर नो डाउट सर नो सर नो डाउट अब देखो अब यदि कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता तो क्या उस पे फोर्स लगता नहीं सर फोर्स नहीं लगता सर पैरेलल में सर जीरो फोर्स जीरो हो जाता तो वो सीधा जाता रहता हाँ सर जी सीधा जाता सर अब ये बताओ कि अब किसी चार्ज के पास ये दोनों वेलोसिटी है तो दोनों काम एक साथ होंगे हाँ सर एक साथ होंगे सर दोनों काम क्या होंगे एक साथ होगा सर एक साथ होंगे सर घुमाने का या आगे ले जाने का बढ़ाने का सर स्प्रिंग शेप बन जाएगी इससे काम एक साथ होंगे स्प्रिंग शेप ये परपेंडिकुलर वाला करेगा आ गया घुमाने का काम और सर ये बीच में जो सर ये घुमाने वाला परपेंडिकुलर करेगा हाँ सर सर ये बीच का जो एंगल होगा वो अंदर की ओर होगा बेटा ये वाला एंगल तो हमने जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया है वो एंगल है ना सर ये रैंडम एंगल है ये एंगल हमने जो भी एंगल से प्रोजेक्ट किया अब आप चाहे तो एंगल मान के पूरा सीधा रैंडम एंगल है यदि आपने पूरा ऐसा सीधा कर दिया तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं और पूरा यदि परपेंडिकुलर कर दिया तो मैक्सिमम फोर्स यस अब हमने कोई भी एक रैंडम वैल्यू रखी ठीक है एवरेज होगा ये यस सर तो अब दोनों काम एक साथ होंगे मतलब घुमाने का भी काम होगा आगे ले जाने का भी काम आगे भी चला जाएगा यस सर ये जो अच्छा सर ये आपने ले लिया है बस हाँ ठीक है कोई भी रैंडम एंगल जी सर क्लियर है यस सर अब इसका फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा देखो एफ इक्वल्स टू क्या होता है दोनों का अलग अलग निकालेंगे तो देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है F equals to Q D D sin theta लिख सकते हैं हाँ सर yes, D sin theta को हमने क्या लिखा था 90 सर Q yes, sir. लिखा था V perpendicular yes sir F is equals to Q V perpendicular ठीक है सर यहाँ पर V perpendicular की वैल्यू कैसे आएगी हाँ V perpendicular की बेटा एंगल पता होगा ना sin theta 30 degree 40 degree 45 degree किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हर डिग्री के लिए उसका मोशन चेंज होगा है ना हर डिग्री के लिए अलग अलग होगा सर हाँ अब यदि मान लो क्या है एंगल बहुत कम है एंगल बहुत क्या है कम है ऐसा है तो वो क्या होगा ऐसे ऐसे जाएगा हाँ सर एंगल बहुत ज्यादा कर दिया तो वो सर ज्यादा पास जितना बड़ा एंगल होगा उतना ऊपर स्प्रिंग जाएगी ठीक है सर जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ऊपर स्प्रिंग जाएगी हां वो आपको देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ठीक है अब देखो ये होगा सर उतना अब ये टॉपिक अपना खत्म हो गया है नेक्स्ट टॉपिक है अब ठीक है अब देखो अब ये बताओ कि यदि कोई भी एक
कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है वायर, वायर कहाँ रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, कहाँ रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में भैया वायर रख दिया। अब वायर में करंट ऐसे फ्लो रहा है डाउनवर्ड्स, तो करंट डाउनवर्ड्स है तो पॉजिटिव चार्ज भी डाउनवर्ड्स ही जाएगा। यस सर। तो ये जो चार्ज, देखो चार्ज फ्लो रहा है तभी करंट फ्लो हो रहा है, ये बात तो क्लियर आप मानते हो। यस सर। बिना चार्ज फ्लो के करंट फ्लो तो हो नहीं सकता है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है मतलब उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो हो रहा है। यस सर, हो रहा है सर। तो चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है तो फोर्स लगता है नहीं लगता है, लगता है, लगेगा UVP sin theta, ये बात तो क्लियर है, समझते हो? यस सर। वायर भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? वायर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, वायर के अराउंड होती है। अच्छा मतलब वही अराउंड मैग्नेटिक से कोलाइड नहीं होएगा? नहीं होगा, उसी रीजन की वजह से तो उस पे फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे। ओ यस सर। अब ये बताओ कि क्या इस पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा, सॉरी कंडक्टर से बाहर आ जाएगा क्या? वही फोर्स किस पे लगने लगेगा? इस वायर पे लगने लगेगा, सर वायर पे लगेगा सर। तो फोर्स नया फॉर्म हम पढ़ते हैं एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, कौन सा फॉर्म पढ़ते हैं? आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब देखो यदि आपको इससे देखना है तो दोनों फॉर्म एक ही तरीके के हैं, आई इक्वल्स टू हम क्यू बाई टी लिख सकते हैं। यस सर। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। तो वही तो हो गया आपका, वही वाला फॉर्मूला। हाँ सर। यस सर। आ गई बात समझ में? तो ये भी कौन सा फोर्स है? ये भी लॉरेंस ने ही दिया था, ये भी किसने दिया था? सर लॉरेंस ने दिया था, लेकिन दिया था बेटा चार्ज पार्टिकल पे के लिए, ये लिया था करंट कैरिंग वायर के चार्ज सर, एनसीईआरटी में दिया, एम्पियर जी ने निकाला था क्या सर? एनसीईआरटी में एम्पियर जी ने दिया था, एम्पियर दिया था ऐसा बोल। हाँ सर, मैरी एंटोनी, एम्पियर जी, मैरी एंड पर, मैरी एंड, हाँ सर मैरी एंड जी ने करंट है। देखो बोलते तो लॉरेंस फोर्स से इन्वेंशन पता नहीं किसने किया, ठीक है? वैसे सर मेन तो लॉरेंस फोर्स ही होगा ना। हाँ मतलब ये जो जो भी है ये फोर्स को लॉरेंस फोर्स बोलते हैं क्या? फोर्स कौन सा फोर्स बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। इसका इन्वेंशन लॉरेंस ने किया है या नहीं किया इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्लियर है सर? उसका इन्वेंशन सर। हाँ ठीक है सर, जैसे सर आईएलबीए ने इंड्यूस कुछ दिया था कि वायर अगर पास पास में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक इंडक्शन। सर आईएलबी किसके लिए था? मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा है, क्या रखा है? कंडक्टर रखा है। कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है अंदर। यस सर। यस सर। और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसपे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? Yes. लगेगा सर, लगेगा बिल्कुल, फोर्स लगेगा। तो वही फोर्स अब जो चार्ज पार्टिकल है वो कंडक्टर से बाहर तो नहीं आ सकता, वही no, किस पे लगने लगेगा? वायर पे। तो वायर पे सर, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जनरली पॉजिटिव सर, जनरली से प्रोटॉन ही मानते हैं। हाँ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन नहीं। हाँ सर पॉजिटिव चार्ज है ना। करंट कैरिंग वायर सर ILV sin थीटा वो किसके लिए था? करंट कैरिंग वायर के लिए। व्हेन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स, दिस फोर्स है ना फोर्स, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी?
डिस्टेंस सर उसकी लेंथ के साथ ठीक है सर इसमें क्या होता है एंगल एंगल बेटा करंट तो स्केलर है ना यस सर करंट तो स्केलर हां सर स्केलर में तो सर होता ही नहीं है हां लेंथ वेक्टर है ठीक है तो लेंथ तो है ही सर हाँ? अगर हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ हमें वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और फिर हमें फोर्स पूछा तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन पहले पहले ये फॉर्मूला वापस से वही कहानी जीरो कब कब हो सकता है नंबर वन करंट जीरो हो जाए सर मैग्नेटिक लेंथ जीरो हो जाए मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए सर जीरो थीटा एंगल जीरो हो जाए सर 180 और ये सब चार्ज भी जीरो नहीं हुआ ये जीरो नहीं हुआ तो तब जाके लगेगा फोर्स और फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 90 हो जाएगा तब भी तो जीरो होगा ना ये क्यू कहाँ दिख रहा है फॉर्मूले में सर वो थीटा में दिख रहा है साइन थीटा है सर वो तो साइन क्यू नहीं होता साइन थीटा होता है चार्ज की बात कर रहा हूँ एक बार बता इस फॉर्मूले में चार्ज से कोई रिलेशन है नहीं है सर नहीं यू बाई टी होता है ना सर इसलिए कुछ नहीं ये फॉर्मूला अलग है वो अलग है यदि चार्ज जीरो होगा वो तो सर बस कंपेयर करने के लिए करा था कुछ सुन बेटा यदि चार्ज जीरो होगा चार्ज जीरो हो गया तो बेटा करंट फ्लो क्यों होगा जब किसी के पास कोई चार्ज ही नहीं है तो जी सर वो तो सर बस कंपेयरिंग के लिए लगा था अब आप बोल रहे हो यदि चार्ज की बात की करंट की वैल्यू करंट स्केलर क्वांटिटी है जीरो हो जाएगी करंट फ्लो होगा ही नहीं अब देखो इसका जो डायरेक्शन है वो हम कौन से निकालते हैं लेफ्ट हैंड रूल से सर एक डाउट है ओके सर लेफ्ट हैंड रूल लेकिन सेम फार्मूला है सर हमें सारे हैंड रूल याद रखने पड़ेंगे बिल्कुल ठीक है अब देखो ये सेम रूल है सर हां एक मिनट एक एक बोलो यार सर राइट एंड पाम रूल सारे रूल याद रखने पड़ेंगे राइट एंड पाम रूल सर एक लेफ्ट याद कर लो एक राइट याद कर लो आपका काम देखो थंब रूल से हो जाएगा तो वो कर लो पाम रूल देखो अब कुछ नहीं है यार इधर देखो सर वो दोनों काफी है सर सुनो इधर पाम रूल ये वायर है यस सर इसे मैग्नेटिक फील्ड है यस सर इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ होगी थंब रूल के अकॉर्डिंग ठीक है यस सर इस वाले पॉइंट पे इस साइड होगी यस सर अब मैं इसको फिंगर्स नहीं बोल के बोल दूं ये पाम है तो पाम की डायरेक्शन होगी हां सर पाम रूल यस सर वो सेम वही हो गया सर सेम ही हो गया पेन रख लो तो बोल दो राइट हैंड पेन रूल यस सर सर ये आपने बनाया क्या सर एक्सपेरिमेंट बाय यू जो आपका पेन का डायरेक्शन है देखो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते जाओगे मैग्नेटिक तो रूल वही होते हैं ठीक है सबका मीनिंग हाँ है पेन आप पेन रूल करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे है ना सर राइट हैंड पेन रूल ज्यादा बढ़िया है सर तो इसलिए आप सर एक डाउट है हाँ बोलो बेटा सर आपने बोला था कि करंट स्केलर क्वांटिटी है तो सर हम उसकी डायरेक्शन क्यों आइडेंटिफाई करना चाहते हैं करंट का फ्लो ऑफ तो फ्लो तो देखेंगे ना व्हाट देखो हीट का फ्लो कैसे होता है हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर होता ही है यस सर हीट तो एनर्जी है ना एनर्जी कहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो डायरेक्शन देखते हैं यस सर तो करंट भी क्या एनर्जी कहाँ से आता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है क्लियर तो सर फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन डाउनवर्ड जा रहा है तो सर ऐसे तो उसकी डायरेक्शन देखी जा रही है
वो तो सर वेलोसिटी की डायरेक्शन लिखी जाती है, वेलोसिटी वेक्टर है, हम करंट की नहीं बात कर रहे हैं सर, वो वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता। हाँ ठीक है, अब इधर देखो ये आ गया आपको मैक्सिमम, तो ये हम कौन सा रूल से देखते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल बी आपका क्या होगा, फोर फिंगर, सॉरी सर फोर फिंगर, फोर फिंगर होगा बी, क्या होगा सर फोर फिंगर होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ही होगा मोर, ठीक है। हाँ सर, जो आपका मिडिल फिंगर था सर वो वी था सर, वो वेलोसिटी वी प्लस, वी प्लस पता है वी प्लस ही तो करंट का डायरेक्शन होता है ना। यस सर, तो सेम ही है जी सर, और मैग्नेटिक फील्ड था मैं जो थंब है फोर्स डायरेक्शन, सेम फॉर्मूला है वही, ठीक है कोई नया रूल नहीं है, क्लियर है। जो वी सर एल सर एल अच्छा ठीक है, यस अभी बात सुन में, अब इधर देखो यस, अब आपको बोल दिया मान लो ये एक मैग्नेट है, ये क्या है एक पावरफुल मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहाँ पे आपने एक वायर रख दिया, इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड्स कैसा फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड्स। अब बताओ इसका फोर्स किस साइड लगेगा सर, देखो साउथ, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया, यस सर मैग्नेटिक फील्ड आपके राइट हैंड की तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा, सॉरी करंट नीचे की तरफ है, मतलब जो आपका मिडिल फिंगर नीचे की तरफ आ गया, यस सर आ गया सर, आपका थंब हमारे साइड आया, आपकी खुद की तरफ आया, हमारे तरफ आया सर, आउटवर्ड सर, तो देखो इसको ऐसे देखो, तो इसको ऐसे देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया है, ठीक है यस सर, करंट नीचे तो इस वायर पे फोर्स किस साइड लगेगा, अपनी तरफ, तो ये वायर हमारे साइड से, मतलब ये ऐसा था तो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, क्लियर है यस सर, कह सकते कि वो अंदर वाली साइड आ रहा है, बाहर वाली साइड फोर्स इस पे बाहर की तरफ लग रहा है, साउथ नहीं बता सकते। हाँ सर बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं इसलिए नहीं बता सकते, देखो ईस्ट ये हो गया आपका, कौन सी वाली साइड हो गई, ये ईस्ट हो गई मैग्नेटिक फील्ड, यस सर करंट आपका साउथ हो गया, यस ईस्ट वेस्ट खत्म हो गई, नॉर्थ साउथ खत्म हो गया, बचा क्या इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स ही तो बचा, आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा, क्लियर है यस सर, ठीक है। अब इधर देखो सर, डॉट आएगा, हाँ डॉट आएगा, ठीक है सर, बट ये ऑलवेज ट्रू तो नहीं है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ में साउथ में लगे, बेटा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ही होती है, मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस हमने क्या पढ़ा था, हां सर नॉर्थ निकल के साउथ में जाती है, ये हमेशा सत्य है, ठीक है। चलो यदि हमने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अब देखो इनवर्ड आउटवर्ड हमने ले लिया, तो अब आपका आंसर ईस्ट वेस्ट में आ जाएगा, है ना, yes, करंट फ्लो ऐसा आ गया, तो अब बताओ इस पे फोर्स किस साइड लगेगा सर, ईस्ट सर, ईस्ट सर, ईस्ट सर, ईस्ट सर, ईस्ट सर, ईस्ट ईस्ट के ईस्ट आ रहा है, सही आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, ठीक है। हां सर करंट को भी डायरेक्शन क्या है, करंट एरो बनाया तो है सर, नीचे के साइड है, हां देखो आपके फोर फिंगर को लैपटॉप की साइड कर दो, कर दिया सर, मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ कर दो, तो देखो सर अपने आप ईस्ट में आ गया, ईस्ट में आ गया ना सर, यस सर, सर राइट हैंड की तरफ आ गया, राइट हैंड की तरफ आ गया, मतलब ये कैसे घूमेगा, यस सर, तो ये घूमेगा नहीं, ये इस साइड मूव करेगा, ये साइड क्या करेगा, हां सर मूव करेगा सर, हल्का सा टिल्ट होगा या फिर पूरा इस साइड, देखो बेटा हर पार्ट पे फोर्स लगेगा, ठीक है हर पार्ट पे फोर्स लगेगा, अब इसको फोर्स की स्ट्रेंथ पे पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा मूव कर रहा है, अब यदि आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया तो ये इधर क्या हो जाएगा, फिर टिल्ट कर जाएगा, हाँ सर, और सर अगर फिक्स नहीं है पूरा का पूरा, नहीं है तो पूरा का पूरा मूव करेगा, ठीक है पूरा चलेगा, यस सर मूव करता रहेगा, आ गई बात समझ में, यही है आपका इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, यही करते हैं, ठीक है, यस सर, इलेक्ट्रिक मोटर की पढ़ेंगे, घूमता रहता है, पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमने मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट के अंदर हमने कॉइल रख दिया, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको देखो ए ये कॉइल है और इसको हमने इधर कनेक्शन किया है, इधर हमने करंट फ्लो किया है, ठीक है, यस सर, ए बी पे फोर्स किस साइड लगेगा बताओ,
ए बी पे साउथ सर अंदर की ओर लग रहा है क्रॉस आएगा क्रॉस हाँ क्रॉस आएगा क्रॉस सीधी पे फोर्स किधर लगेगा सरफेस के बीच में ये समझ में नहीं आया सर साउथ क्रॉस किससे आएगा सर डॉट होगा नॉर्थ सीडी पे डॉट सीडी पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा यस सर सीडी पे बाहर की तरफ लगेगा सर इसमें किसी को कोई डाउट है नो सर नो डाउट जिसको डाउट नहीं वो नहीं बोले जिसको डाउट है वो बोले है क्या बेटा किसी को डाउट है सर अपने फोर फिंगर को राइट हैंड की तरफ कर दिया यस सर कर दिया यस सर करंट ऊपर जा रहा है Yes, करंट ऊपर जा रहा है कौन से वायर की बात कर रहे हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो देखो पहले वाले की बात कर रहा हूँ एबी की मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है यस सर करंट ऊपर है यस सर तो फोर्स किस साइड आया सर सर इनवर्ट लेफ्ट अब देखो इसमें कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा घुमाना पड़ता है जैसे ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है इस पे करंट ऊपर जा रहा है तो इस वाली ब्रांच पे फोर्स किस साइड लगेगा पीछे की तरफ लगेगा यस सर इस पर आगे की तरफ सर मैं तो इस पर पीछे की तरफ इस पर आगे की तरफ तो ये क्या होगा घूम जाएगा सर फिर से बताना आगे पीछे वाला सही आगे पीछे वाला फिर से बता देखो डायग्राम में देखो इधर देखो बीसी पे एबी पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है यस सर सीडी पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है यस सर तो अब आपकी बुक पे देखो एक साइड पे नीचे फोर्स लगाओ एक तरफ पे ऊपर फोर्स लगाओ घूम जाएगा नहीं घूमेगी हाँ सर घूम जाएगा सर घूम जाएगा घूमने लगेगा अच्छा बीसी पे फोर्स किस साइड लगेगा बीसी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में ठीक है एडी पे भी लगेगा हाँ अब क्या होता है जैसे ही यहाँ पर किससे कनेक्टेड एक बार समझा दो मेरा नेट चला गया था बेटा देखो एडी अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है अभी तो हमने बस इसको एक आधा राउंड घुमा रहे हैं करंट फ्लो ऐसा होगा प्लस से निकल के ऐसे जाएगा हाँ है ना Yes, देखो इसमें करंट फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और सीडी पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक साइड नीचे की तरफ एक साइड ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा घूम जाएगा ठीक है एबी वाला वो तो नीचे हाँ सर अगर अपन सर किसी चीज पर सर एक साइड ऊपर एक साइड नीचे फोर्स लगाएंगे सर वो घूम जाएगा सर वायर घूमेगा ना सर हाँ वायर घूमेगा ठीक है घूम जाएगा सर हाँ घूम जाएगा सर खींचेगा सीडी पे आउटवर्ड है क्या सर क्या बेटा सीडी पे आउटवर्ड से आउटवर्ड से बाहर के साइड ये इनवर्ड सर वो चीज सर खींचेगी सर अब देखो होगा क्या ये घुमा एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो अब ऐसे तो क्या होगा घूमता जाएगा तो क्या एक के ऊपर एक वायर टूट जाएगा ना हाँ सर तो फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं स्लिप रिंग्स क्या यूज करते हैं स्लिप रिंग्स स्लिप रिंग क्या होती है यदि हम टॉप व्यू देखें तो ऐसी होती है ठीक है ऐसी होती है छोटी मशीन है उसमें लगी रहती है ये इधर मूव करेगा ये इधर मूव वायर चिपका रहता है अच्छा सर आप गूगल से फोटो दिखा दीजिए सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा यस सर और एक डंडी निकली रहती है फिर वो घूमती है मैग्नेट लगी रहती है ये आपको इसीलिए मैंने बोला है कि अभी नहीं पढ़ा रहे क्योंकि इसका है ना वीडियो उससे पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं सिमुलेशन से ठीक है लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल है ठीक है बता दो कहाँ तक आएगा सर सर यहाँ पे ये कैसे पता चला सर आज का भी नहीं आएगा आपका क्यू भी शायद साइन थीटा तक आएगा बस ओके सर कौन सा साइन थीटा भी नहीं आएगा हाँ शायद नहीं आएगा और सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो ना नहीं इलेक्ट्रिसिटी आएगा बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की शीट पे शीट भेज देना सर आप लिख दो कहाँ तक आज की क्लास के पहले तक का सब आएगा सर पावर इलेक्ट्रिसिटी की शीट सर एक डाउट है हाँ सर आप बोर्ड पे लिख दो कहाँ तक आएगा आज की क्लास के पहले तक सर साइन थीटा कुछ और था तो सर वो डिस्कॉल्व कैसे हो रहा सर क्या बेटा सर वो साइन थीटा डिसॉल्व क्यों होना था मतलब डिसॉल्व हम कर रहे थे ना उसको समझने के लिए हम कर रहे थे उसको
सर तो ये वैलिड है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अब मान लो देखो, इधर देखो, कोई ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स लगेगा, उसका मोशन कैसा होगा आप कैसे अज्यूम करोगे? तो हम क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल अलग देखते हैं, वर्टिकल अलग देखते हैं, तभी तो करते हैं इसको समझने के लिए, तो रिजॉल्व करते हैं। ठीक है सर, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा? तो उसी डायरेक्शन में नहीं, देखो मोशन तो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन ऐसे घूमते घूमते हो रहा है, जा तो उसी साइड रहा है ना। नहीं सर, डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में नहीं होगा, नहीं सीधा नहीं जाएगा ना, फोर्स लग रहा है तो सीधा कैसे जा सकता है ये बताओ। तो ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, तो सर एक सर्कुलर फॉर्म से बन जाएगा। हटा दोगे मैग्नेटिक फील्ड, हटा दोगे तो वो ऐसा सीधा चला जाएगा। अब सर मैग्नेटिक फील्ड होगी फिर तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है,